अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। आज मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बनकर आया हूँ एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, ज़बरदस्त डॉक्टर के साथ जो हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक और मैं कहूँगा बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं और जिसकी हम सबको प्रॉब्लम रहती है। और ये हैं डेंटल डिपार्टमेंट के हेड, हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान पटेल। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज आई नो आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं और मैं आपको बिल्कुल लिटरली खींच के लाया हूँ। बीच में बस मैंने कहा हमारा आप इंटरव्यू और थोड़ा सा दे देंगे 5-10 मिनट के लिए, तो हमारे व्यूवर्स को, हमारे लिसनर्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप आपकी तबीयत कैसी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हमें बताइएगा, मुर्शिद हॉस्पिटल में आपके डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि इसके लिए पूरा अलग एक सिलेबस होता है, एक अलग पढ़ाई होती है, BDS जिसको हम कहते हैं, और फिर आगे इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस भी हो रही है। माशाल्लाह इसका बहुत लेवल बहुत बढ़ गया है माशाल्लाह, और हर हॉस्पिटल के अंदर एक डेंटल डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह के केसेस देखते हैं और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि माशाल्लाह जब से आप आए माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स बहुत खुश होकर जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, आपका अच्छा फीडबैक मिलता रहता है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर बेसिकली यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 इयर्स हो गए हैं। ठीक, यहाँ पे ज़्यादातर हम जो पेशेंट कैटर करते हैं वो जिस बीमारी के साथ है उसके अंदर मुंह में कीड़ा लगा होना या मसूड़ों की बीमारी होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुंह की बीमारियाँ यूजुअली इसी तरीके से स्टार्ट होती हैं। मुंह की सफाई अगर सही से ना रखी जाए तो उसमें दांतों में कीड़ा या बदबू आने की शिकायत रहती है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे नहीं आते, वो बहुत फाइनल स्टेजेस के ऊपर आते हैं जिसमें दांत बचाना मुश्किल हो जाता है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मगर हमारे पास यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, ऐसी मशीनें हमने यहाँ पे लेके आ चुके हैं जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं दांत को आखिर हल तक बचा सकें। माशाल्लाह वेरी नाइस। इसके अंदर हमारे पास रूट केनाल का ऑप्शन होता है। राइट। ठीक है, अब रूट केनाल के अंदर भी हमने मैनुअल तरीके को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, अब हम रोटरी मशीन के जरिए उसको प्रोसीड करते हैं। इसमें ये हो जाता है कि पेशेंट का टाइम भी बच जाता है, डॉक्टर का टाइम भी बच जाता है, एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेन भी डॉक्टर साहब कम होता होगा, पेन भी कम होता है। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट्स ज्यादातर लोग डेंटिस्ट पर जाने से डरते हैं कि बहुत दर्द होगा, और अब माशाल्लाह डेंटिस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी इसके अंदर चीजें आ गई हैं। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे फिलिंग के प्रोसीजर्स भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ये होता है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मुंह में दांत मौजूद नहीं होते हैं या प्रोस्थेसिस नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने लैब वर्क के जरिए मस्तूनी दांत लगाने का अमल शुरू कर दिया है। इसमें आर्टिफिशियल दांत आते हैं, टेम्प्रेरी भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं, पार्शली भी होते हैं, तो इसमें यहाँ पे हमने तमाम सहूलत मौजूद बहुत कर दी। सहूलत है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर किसी एज में या किसी भी स्टेज में किसी वजह से आपके दांत नहीं रहते तो आपको खाने में कितना प्रॉब्लम होता है, पूरा आपका जो सेहत खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सही दांत को ब्रश करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेंटल के हवाले से। दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना लाजमी है, रात को सोने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Right. इसमें ये है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल साथ करें और ब्रशिंग की जो टेक्निक्स हैं उसका खास ख्याल रखें। हमारे यहाँ पे बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता कि हमें ब्रश कैसे करना है, जो Right. कि सबसे ज़्यादा लैकिंग है। True. ठीक है, तो इसके लिए यकीनन YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं 2-3 मिनट्स की हार्डली, जो कि हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, उनको तरीक़ेकार बताते हैं कि इस तरीके से ब्रशिंग करनी है। उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होते हैं, पेशेंट्स जब फीडबैक हमें देते हैं तो उनको यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है इस हवाले से। बाकी ये कि रेगुलर चेकअप आप करवाते रहें हर 2 से 3 महीने बाद अपने डॉक्टर को, तो इसमें कि कोई भी अगर डेंटल मसला है तो ये कि डॉक्टर उसकी निशानदेही करके आपको बता के उसके इलाज की तरफ जा सकते हैं, ना कि फिर उसको निकालने की तरफ जाके फिर एक महंगे प्रोसीजर के ज़रिए दांत को लगा सकें। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि दांतों का प्रॉब्लम मुझे लगता है जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। आप जैसे डॉक्टर्स जो आते हैं शोज़ के ऊपर या चैनल्स के ऊपर, तो आप बताते हैं लोगों को, तो ऑफकोर्स से बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन सम हाउ कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, तो आप अवेयरनेस के लिए हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी लेटेस्ट आप तो देख रहे हैं आजकल दांतों के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है पूरे जिस्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मुंह है, इसके ज़रिए खाना दाखिल होता है जिस्म के अंदर, सांस दाखिल होती है, तो सबसे ज़्यादा ख्याल भी हमें इसी पार्ट का रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए डेली ब्रशिंग होना ज़रूरी है, डेली डेंटल फ्लॉसिंग होना ज़रूरी है, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके साथ साथ डेली विजिट्स, आपके मंथली विजिट्स होते हैं तो उसका ख्याल रखें। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें वाकई बहुत जरूरी। तो डॉक्टर साहब, आपने मुर्शिद हॉस्पिटल में ज़्यादातर कैसे पेशेंट्स पाए हैं और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको? मल्टीपल कैटेगरीज के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मुँह में दांत मौजूद नहीं होते, या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मसूड़ों की या दांतों की तकलीफ़ मौजूद होती है। तो हम हर तरीके के पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं पेशेंट्स हमारे पास से खाली हाथ ना लौटे। तो इसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। PWA फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम पेशेंट्स कर रहे होते हैं कैंप के ज़रिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी, और मुर्शिद हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ पर हर पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाता है। कुछ डॉक्टर साहब हमें सेहत कार्ड के बारे में बताइए, क्योंकि डेंटिस्ट्री के ट्रीटमेंट्स वाकई महंगे होते हैं और एक आम इंसान स्पेशली जो गरीब तबका है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मुर्शिद में एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक चीज़ है, सेहत कार्ड है। अच्छा, आपका नहीं सेहत कार्ड पे नहीं है? नहीं है, ठीक है, छोड़ दें इसको, बस लास्ट में इनका मैसेज। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी हमें, हमें बताया कि दांतों क्या मसले हैं। तो हमारा क्या आपका हमारे लिए मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे फैंस के लिए? मेरा मैसेज यही है व्यूअर्स को कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, ठीक है, डॉक्टर से अपना विजिट करें, मुँह की जो बीमारियाँ हैं उनकी तशखीस करवा के उनका जल्द अज जल्द इलाज लें, ठीक। बाकी ये मुर्शिद हॉस्पिटल में तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर आएँ, अपना चेकअप करवाएं, अपने यहाँ से सहूलत का फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे डेंटिस्ट्री के हेड डेंटिस्ट डॉक्टर उस्मान पटेल, जो कि हमें डेंटिस्ट्री के बारे में सारा बता रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हमें ये बताया कि दांतों को किस तरह से हिफाजत की चाहिए, और ऑफकोर्स ये बात तो हर जगह है डॉक्टर साहब, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऑफकोर्स बचपन से हमने बच्चों को बताया कि च्युइंग गम टॉफ़ीज़ जितनी कम खाएँ उतना ही अच्छा है, और दांतों में कीड़ा बचपन से ही लगता है तो उसको जितनी जल्दी ठीक किया जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस मोर, एंड इंशाल्लाह आपको कोई सवाल हो, कोई आपको फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन करना हो हमारे डॉक्टर से, तो आप बिला झिझक कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।